तीन सबसे अजीबोगरीब लोग जिन्होंने खुद को जानवर में बदल लिया। नंबर वन, नादिया नाम की इस महिला के बचपन से ही प्यार नहीं थे, जिस वजह से लोग हमेशा उसे दया की नजरों से देखते थे। पर नादिया को यह बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था कि कोई उस पर दया करे, और इससे उसे काफी बुरा लगता था। दरअसल वो चाहती थी कि वो कुछ ऐसा करे जिससे लोग उसकी तारीफ करे, तो उसके लिए उसने प्लास्टिक की एक मरमेड टेल बनवाई जिसे पहनकर वो पानी में तैर सके। नादिया का यह रूप देखकर लोग दंग रह गए, और आज नादिया रियल लाइफ में जलपरी के नाम से जानी जाती है। नंबर टू, टोक्यो में रहने वाला केनिची इटो नाम का ये बंदा किसी जानवर के जैसे दौड़ने में वर्ल्ड का सबसे तेज इंसान है, जिसकी जैसे वहाँ के लोग इसे टोक्यो मंकी मैन से जानते हैं। दरअसल केनिची का कहना था कि एक दिन खेलते समय उसे अपनी एबिलिटी के बारे में पता चला, जिसने उसका नाम दुनिया भर में फेमस कर दिया। नंबर थ्री, इस बंदे को आप इंसान नहीं बल्कि छिपकली बोल सकते हो, क्योंकि इसने छिपकली जैसा दिखने के लिए अपना पूरा शरीर अजीबोगरीब टैटू से भर दिया है, और इसमें भी बाकी रह गया था तो इसने अपनी जीभ को भी दो हिस्सों में कटवा लिया। तो देखने पर इच्छाधारी छिपकली से कम नहीं लगता।